हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सी जी विस्तार चैनल में। तो आज की जो सीरीज़ रहेगी वो पॉलीगॉन मॉडलिंग के ऊपर रहेगी। लास्ट जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो ऑटोडेस्क माया बेसिक बिगिनर्स लोगों के लिए बनाए थे। तो आज हम लोग एक्चुअली मॉडलिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है पॉलीगॉन मॉडलिंग। तो चलो समझते हैं कि एग्जैक्टली पॉलीगॉन मॉडलिंग क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर माया ओपन करके रखा है। सबसे पहले मैं काम करूँगा, मैं क्रिएट में जाके पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में जाऊँगा। जैसे कि मैंने बताया था आज हम लोग पॉलीगॉन सीख रहे हैं, तो मैं पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में जाके एक क्यूब को ले लूँगा यहाँ से। तो ये मेरा क्यूब है। तो पॉलीगॉन मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना है। तो बेसिकली पॉलीगॉन मॉडलिंग कैसा काम करता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा, जो मैंने यहाँ पर प्रिमिटिव बनाया है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं। अगर आप लोग राइट क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट पे तो ये मेरे कंपोनेंट्स हो गए। तो ये सब कंपोनेंट्स मिलाकर एक पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट बनता है। जब हम लोग पॉलीगॉन मॉडलिंग करते हैं तो हम लोग ये कंपोनेंट्स को चेंज करते हैं या उसको हम लोग ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, जैसे भी हम लोग करेंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सिंपल इमेज रेडी करके रखा है ताकि मैं आपको इजीली ब्रेक थ्रू कर सकूँ। एक्चुअली 4 से 5 कंपोनेंट्स होते हैं माया के, बट जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो यहाँ पे मैंने कलर के माध्यम से आपको सिखाया है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मेरा क्यूब है, क्यूब में जहाँ पे लाइन्स मिल रही है ये मेरा वर्टेक्स हो गया। तो इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स अपना एक कंपोनेंट हो गया। जहाँ पे दो लाइन मिल रही है तो बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। ये जो लाइंस है इसको हम लोग एज बोलेंगे। एक सिंगल एज है तो हम लोग एज बोलेंगे। हम लोग ने एक से ज़्यादा चीज़ को पकड़ा है तो हम लोग एजेस बोलेंगे। एंड देन इसके बीच का जो पार्ट है, जो एजेस मिला के एक पार्ट जो बनता है, उसको हम लोग फेस बोलते हैं। जैसे आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हो कि मैंने यूवी के लिए यहाँ पे कुछ कलर दिया नहीं है। बेसिकली यूवी मॉडलिंग में कवर नहीं होता है। जब हम लोग टेक्सचरिंग करेंगे या किसी चीज़ के ऊपर कोई एक बाहर से इमेज चिपकाएंगे या उसको कलर करेंगे तो वो टाइम पे मैं यूवी के ऊपर जाऊँगा। बट बेसिकली ये अपना 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है। ये अगर आप लोग समझ गए तो आपका काम ईजी हो जाएगा। तो वापस चलते हैं माया में। तो मैं यहाँ पे माया में वापस आ चुका हूँ। तो अभी मैं वापस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, वायर फ्रेम एंड शेडेड ऑन कर दूँगा। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में चैनल बॉक्स है, इसके अंदर जाके मैं पॉली क्यूब में जाऊँगा। यहाँ से विथ, हाइट और डेप्थ को दो दो करूँगा ऐसा। आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसका सेगमेंट थोड़ा बढ़ा दिया है। अभी मैं इसका हिस्ट्री डिलीट मार दूंगा, एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको इमेज में बताया था कि ये अपना वर्टेक्स हो गया। ये देखो, जहाँ पे लाइंस आपस में मिल रही है वो इंटरसेक्शन मेरा वर्टेक्स हो गया। ये मेरा एज हो गया। एंड राइट क्लिक करके ये मेरा फेस हो गया। देखो, पॉलीगॉन में चीज़ को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो 3D Max में काम कर चुके हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उनको क्या करना पड़ता है कि राइट क्लिक करके हमको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे वो हिसाब किताब नहीं रखा है, माया डायरेक्टली पॉलीगॉन ही बना के आता है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पॉलीगॉन प्रिमिटिव लिया है। सिंपल कैलकुलेशन है। अब राइट क्लिक करके मैं जाऊँगा वर्टेक्स, जो यहाँ पे वर्टेक्स आ रहा है, एज आ रहा है, फेस आ रहा है, यहाँ पे यूवीज है। लेकिन अगर मैं यूवीज को सिलेक्ट करूँगा तो सिलेक्ट होगा लेकिन मूव नहीं होगा क्योंकि ये टेक्सचरिंग की बात आती है जब हम लोग इसको कलर करेंगे या शेडर देंगे। तो इसको आज हम लोग थोड़ा साइड में ही रखेंगे। आज अपना फोकस क्या रहेगा, वर्टेक्स, एज एंड फेस। तो मैं 4 व्यूपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे 4 कैमराज में। सो मान लो कि मुझे टॉप के वर्टाइसिस को सिलेक्ट करना है तो मैं एक सिलेक्ट करूँगा। अब एक से ज़्यादा वर्टाइसिस सिलेक्ट करने हैं आप लोगों को तो आप कंट्रोल मत पकड़ो, कंट्रोल से नहीं होगा। माया में शिफ्ट पकड़ के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो।
मैंने मेरे बेसिक जो सीरीज़ की वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि शिफ्ट से हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे जो क्रिएट किया है यहाँ पे, इसके बारे में भी मैंने यहाँ आप लोगों को विस्तार में बताया है। तो मैं इसका एक वीडियो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वो बेसिक बिगिनर सीरीज़ देख सकें। सो लेट अस कंटिन्यू। तो वर्टेक्स में जाऊंगा, तो यहाँ से मैं ऐसा सिलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल दबाऊंगा तो मैं इसको डीसिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लो मुझे ये बीच वाले वर्टाइसिस को सिलेक्ट करना है और इनको स्केल करना है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन आसान तरीका क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पे मेरे साइड कैमरा में जाऊँगा, 4 नंबर दबा के मैं वायर फ्रेम में जाऊँगा यहाँ से, एंड मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके माउस से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने मेरा माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखा है और इसको क्लिक करके ड्रैग करके इतना एरिया को सिलेक्ट कर दिया है। ये देखो सिंपल, अभी सिलेक्ट हो गया। अब मैं मेरे मूव टूल से इसको मूव कर सकता हूँ ऐसा, या रोटेट टूल से रोटेट कर सकता हूँ। बट मुझे क्या करना है, इसको स्केल करना है, तो मैं इसको ऐसा स्केल कर दूँगा। ये देखो सिंपल, मैं आप लोग एक चीज़ आराम से क्रिएट कर रहे हो। अगर मान लो कि मुझे इसको एक घर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको ऐसा करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा, एंड यहाँ पे ऐसा रख दूँगा, इसको ऐसा कर दूँगा। मान लो ये मेरा कुछ एक घर हो रहा है, एंड देन मैं इसको कंट्रोल डी बोल के डुप्लीकेट करूँगा, स्केल में जाके एक साइड से इसको ऐसा स्केल कर दूँगा। अब मान लो मुझे इसका एक रूफ़ बनाना है, रूफ़, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐसा, साइड व्यू में जाऊंगा, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में जाऊंगा, एंड सिर्फ बीच वाले वर्टेक्स को पकड़ के ऊपर खींच दूंगा ऐसा। ये देखो, तो ये क्या हो रहा है कि ये मेरा अभी एक रूफ बन रहा है घर का। देखो सिंपल, कुछ क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करके स्केल कर रहा हूँ। अभी ये सिनारियो में मैं नीचे वाले को सिलेक्ट कर सकता हूँ, एंड आर में जाके स्केल में जाके इनको इक्वली स्केल कर सकता हूँ, एक डायरेक्शन को खींच के ऐसा। एंड देन ये जो मेरा नीचे का घर है उसको मैं थोड़ा स्केल कर दूंगा ऐसा, एंड इसको भी मैं राइट क्लिक करके वर्टेक्स में जाऊंगा, एंड इसको ऐसा कर दूंगा। एक चीज नोटिस कर दो, कितना फास्ट फास्ट मेरा काम हो रहा है। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली सब पॉलीगॉन में ही जाता है। अगर आप लोग नब्स में मॉडल भी कर रहे हो, तो नब्स को वापस हम लोग को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन मेरा मेन कारण यही है कि मैंने पॉलीगॉन पहला लिया नब्स को छोड़ के, क्योंकि मुझे पॉलीगॉन में आपको ट्रेन करना है। उसके बाद में मैं देखूंगा कि मैं नब्स का एक सीरीज़ बना दूंगा। सो ये सिंपल मेरा एक चीज़ हो गया यहाँ पे। ओके, ना और आगे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्पीयर को लेता हूँ, एंड अगेन कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे कि मैंने वर्टेक्स को पकड़ा, साइड व्यू में गया, बीच वालों को पकड़ा मैंने ऐसा, ये देखो, एंड स्केल में जाके इनको मैंने स्केल कर दिया ऐसा, एंड यहाँ से एक डायरेक्शन से इसको पतला कर दिया। जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियोस में बताया था कि स्मूथ अप्लाई करने के लिए हम लोग 3 नंबर प्रेस कर सकते हैं, तो मैं 3 नंबर दबा देता हूँ। ये देखो ये फ्लाइंग सॉसर हो गया, एक शेप बन गया। अगर आपको कुछ चीज़ों को डिलीट करना है, तो मैं फेस में जा सकता हूँ, यहाँ से फेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, एंड डिलीट बटन दबा के डिलीट कर सकता हूँ। देखो एक कैप बन गया, सिंपल, कितना आसान है मॉडलिंग। मैं इसको एक साइड से सब बढ़ा देता हूँ। देखो बिना मॉडलिंग टूल को हाथ लगाए हम लोग चीज़ों को मॉडल कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है पॉलीगॉन मॉडलिंग की। पॉलीगॉन मॉडलिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो सब आपके हाथ में है। सो ये तो मेरा हो गया। हम लोग ने अभी क्या देखा, हम लोग ने देखा कि हम लोग कैसा इसका एक वर्टेक्स पकड़ के मूव कर सकते हैं, कैसा हम लोग इसके फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मेरा पॉलीगॉन मॉडलिंग रहेगा वो बहुत सारे पार्ट्स में कंटिन्यू होते रहेगा, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है। सो लेट अस कंटिन्यू। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे शेल्फ है, और हम लोग शेल्फ में कहाँ पे है, सबसे पहले पॉलीगॉन मॉडलिंग में है। दो टाइप का मॉडलिंग होता है, एक नब्स मॉडलिंग होता है और एक पॉलीगॉन मॉडलिंग होता है। हम लोग पॉलीगॉन में हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ पॉलीगॉन टूल्स पे ही फोकस करने वाले हैं।
जितने मैश मैश लिखा है ना यहाँ पे, मैश ये मैश ये मैश ये मैश, ये पॉलीगॉन के टूल्स हो गए मॉडलिंग के, एंड कर्व्स एंड सरफेस जो हो गए वो नर्ब्स के हो गए। जितने मैश वाले हैं वो अपने हो गए पॉलीगॉन मॉडलिंग के टूल्स। तो हम लोग आज इसके अंदर ही काम करेंगे। आज हम लोग दो या तीन टूल ही डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे तुम लोग को अच्छे से सिखाना है कि एग्जैक्टली हम लोग कैसा कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलो हम आगे जाते हैं। सो पहले समझ लो कि ये एडिट मैश क्या काम करता है, मैश टूल्स क्या काम करता है और मैश क्या काम करता है। ये देखो, जैसे कि मैं तुम लोग को बताया था कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में जा रहा हूँ, तो एडिट मैश जो मेनू है वो कंपोनेंट्स का मेनू है। देखो उन्होंने खुद भी बताया है हम लोग को कि एडिट मैश बेसिकली काम करता है कंपोनेंट्स के साथ में। तो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स देख सकते हैं, उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है हम लोग को। कंपोनेंट्स में वर्टेक्स के पहले जो टूल्स है ये सभी कंपोनेंट्स पे काम करेंगे, मतलब वर्टेक्स पे काम करेंगे, फेस पे काम करेंगे और एच पे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो बाइफरकेशन नहीं है, वो डिवीजन नहीं है, लेकिन सिमेट्राइज के नीचे वर्टेक्स है। तो ये कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस है जो सिर्फ वर्टेक्स के मोड के ऊपर काम करेंगे, मतलब सिर्फ वर्टेक्स के ऊपर काम करेंगे। उसके नीचे एज है, तो कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ एजिस पे काम करेंगे, वो लोगों ने एजिस में डाल दिया है। फेस का जो है वो फेसिस में डाल दिया है, एंड कर्व जो हम लोग कभी यूज़ करेंगे तो कर्व में डाल दिया है। लेकिन ऊपर वाले जो है वो ग्लोबल है, मतलब वो तीनों भी कॉम्पोनेंट्स पे काम इक्वली करेंगे। सो एडिट मैश काम करता है कॉम्पोनेंट्स पे और ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है तो आपके पास मैश है एंड मैश टूल्स है, मैश है एंड मैश टूल्स है। एंड ये मैश डिस्प्ले है कि हम लोग को मैश को डिस्प्ले कैसा करना है रेंडर में, तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, मैं यहाँ से एक फ्रेश सीन ले लेता हूँ, एंड आई विल जस्ट क्रिएट अ क्यूब। मैं इसका ना डिविजन्स बढ़ाऊँ कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको ग्रिड पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, ग्रिड पे आ जाएगा। एंड देन आई विल डिलीट द हिस्ट्री ऐसा, एंड देन मैं जाऊँगा फेस में। सबसे पहला जो हम लोग टूल देखेंगे मॉडलिंग का वो एडिट मैश में रहेगा एक्सट्रूड टूल, सबसे फेमस टूल जो सबको पसंद है। एक्सट्रूड मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना या किसी चीज़ को लंबा करना, तो हम लोग एक्सट्रूड यूज़ करेंगे। देखो उन्होंने एक्सट्रूड को शॉर्टकट दिया है, जो जो फेमस टूल्स है उसको वो लोग ने ऑलरेडी शॉर्टकट्स असाइन किए हुए हैं। जैसे कि बेवल फेवरेट टूल है, तो बेवल को भी वो लोग ने शॉर्टकट दिया है, ई का कंट्रोल ई, बेवल का कंट्रोल बी। तो एक्सट्रूड करते हैं, जैसे एक्सट्रूड करेंगे तो यहाँ पे एक मेरा जो पाइवट है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो ये थिकनेस है एक्चुअली, ठीक है, ये कितना ऊपर नीचे करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, लेकिन सिंपल क्या है कि ये जो ब्लू वाला है इसको ऊपर घसीटो। ये देखो मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर से एक दूसरा मेरा एक शेप बन रहा है, मतलब एक फेस मेरा एक्सट्रूड हो रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट एक है लेकिन मैं इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ों का भी बाहर निकाल रहा हूँ। बाहर निकालने के बाद में अगर आपको इसके बीच में डिविजन्स चाहिए तो आप डिविजन्स यहाँ से बढ़ा सकते हो। मुझे दो डिवीजन चाहिए, मैंने दो डिवीजन कर लिया। आपको ऑफसेट देना है आप ऑफसेट दे सकते हो, ये देखो मैं ऑफसेट भी दे सकता हूँ यहाँ से ऐसा सिंपल। लेकिन मुझे ऑफसेट यहाँ पे अभी के लिए नहीं देना है, तो मैं इसको W दबा के बाहर आ सकता हूँ। एंड देखो अभी मैं कंपोनेंट मोड में हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट से बाहर आने के लिए राइट क्लिक करो एंड बोल दो ऑब्जेक्ट मोड, हो गया। जैसे कि मैंने बताया था ये मेरा इनपुट कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री होता है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड का नोड आ गया, अगर यहाँ से चला गया तो टेंशन मत लो, जब तक आप हिस्ट्री डिलीट नहीं कर रहे हो तब तक यहाँ पे आपका हिस्ट्री रहेगा। तो आप यहाँ पे जाके भी वो सेम चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको एक्सट्रूड के नीचे डिविजन्स मिलेंगे। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, या मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं इसको ज़ीरो कर रख सकता हूँ, तो इसको ज़ीरो रखते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे वापस फेस में जाऊँगा। अब मैं एक दो शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट कर रहा हूँ, चारों को सिलेक्ट किया। अब मैं क्या बोलूँगा, वापस एक एक्सट्रूड मारूंगा इसके ऊपर ऐसा, जैसे आप देख सकते हो कि वापस मैंने एक्सट्रूड किया।
अब एक्सट्रूड में क्या होता है कि एक्सट्रूड में मोस्टली हम लोग जो ब्लू वाला है, जेड एक्सिस का जो एरो है, उसको हम लोग पकड़ के मोस्टली खींचते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली हम लोग को एक लोकल सिस्टम के हिसाब से एक्सट्रूड करता है। तो मैं इसको ऐसा ट्राई करता हूँ घसीटने का, ये देखो ये मस्त में बाहर आ गया। अगर मैं इसको ब्लू को बिना घसीटे रेड को घसीटने का ट्राई करूँगा, देखो ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ग्रीन से भी गलत हो जाएगा। इसको याद रखो, हमेशा ब्लू एक्सिस से मतलब जेड एक्सिस से ही चीज़ों को मूव किया करो, बाहर निकाला करो। तो मैं इसको ब्लू से ऐसा खींचूँगा, ये देखो ये एक्सट्रूड हो रहा है मेरा बंदा। अभी हम लोग एक और ऑप्शन देखते हैं जो अभी तक हम लोग ने देखा नहीं था, वो था ये वाला ऑप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग एक्सट्रूड करते हैं ना, तो एक्सट्रूड का एक हैबिट क्या है, उसका आदत क्या है कि वो सब फेसेस को इकट्ठा रखता है, एक साथ में रखता है। तो मुझे एक साथ में नहीं चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करके ऑफ कर दूंगा। ये देखो ये अलग हो गए, मैं यहाँ पे डिविजन्स बढ़ा सकता हूँ। ये देखो मान लो मैं यहाँ पे बाहर निकल गया, मैंने W दबा दिया, बाहर निकल गया, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में चला गया। अब वापस मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट करके वापस मुझे एक्सट्रूड देना है, तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, यहाँ पे जाके वापस एक्सट्रूड मत बोलो। माया में अगर आपको लास्ट जो टूल या कमांड यूज़ किया है उसको रिपीट करना है, तो आप जी की प्रेस कर सकते हो, या जी लास्ट कौन सा यूज़ किया था, एक्सट्रूड यूज़ किया था, एक्सट्रूड आ गया। अब मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ ऐसा, ये देखो सिंपल। इसको भी हम लोग जी प्रेस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, जी प्रेस करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, एंड 1 2 3 4 इसको भी हम लोग एक्सट्रूड दे देंगे। इसको ऐसा कर दूंगा, इसको मुझे अलग नहीं करना है, मुझे इसको एक साथ ही रखना है। ये देखो मेरा सिंपल हो गया। अब मैं अगर इसको 3 नंबर दबाऊंगा, 3 नंबर, तो स्मूथ हो जाएगा। ये देखो ये किसी एक टैप के हिसाब से हो गया, कुछ तो एक शेप बन गया यहाँ पे, देखो सिंपल। तो ये मेरा बेसिक जो बोलते हैं वो इंट्रो हो गया है एक्सट्रूड का। अब थोड़ा एक्सट्रूड को और एडवांस में देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्यूब बना दिया, चलो अभी थोड़ा हम लोग और आगे जाते हैं एक्सट्रूड में। मैं यहाँ पे जाऊँगा अभी साइड में, इसको डिलीट मार देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। एंड देन यहाँ पे जाके कर्व टूल्स में जाके, मैं यहाँ पे तुम लोग को एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक सीवी कर्व टूल है, आपको कुछ नहीं करना है, सीवी कर्व टूल के ऑप्शंस में जाना है, यहाँ से रीसेट सेटिंग करना है और आपको एक कर्व ड्रॉ करना है, सिंपल कुछ नहीं। से आप क्लिक करते जाओ, जहाँ पे आपको एंड करना है आप एंटर प्रेस कर सकते हो। ये देखो अभी एक्सट्रूड में एक पावर क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे फेस को सिलेक्ट किया और शिफ्ट पकड़ के कर्व को सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे जाके बोल रहा हूँ एक्सट्रूड, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर दिया। देखो अभी क्या हो गया कि उसने कर्व को फॉलो किया, क्योंकि मैंने फेस को और कर्व को एक साथ पकड़ के एक्सट्रूड दिया। अब मैं यहाँ पे इसका डिविजन्स बढ़ा सकता हूँ, ये देखो मेरा डिविजन्स बढ़ रहा है, तो कितना पावरफुल है एक्सट्रूड टूल। और ये होने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इसके इनपुट में जाऊंगा एक्सट्रूड में। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है टेपर, तो मैं टेपर को यहाँ से ज़ीरो कर सकता हूँ। टेपर बेसिकली क्या होता है कि ये टेपर कितना करेगा, तो मुझे टेपर इसको पॉइंटेड चाहिए, एंड यहाँ से मैं इसको ट्विस्ट कर सकता हूँ। ये देखो, तो अगर आप लोग ऐसा कुछ तो एक शेप क्रिएट कर रहे हो, तो मैं इसको ऐसा कुछ तो कर सकता हूँ, ये देखो ओके। और ये डायनामिक है, अगर मैं कर्व में जाके राइट क्लिक करके कर्व के वर्टेक्स को खेल रहा हूँ, तो ये उसके हिसाब से शेप मेरा ऑल्टर हो जाएगा। ये देखो आप राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जा सकते हो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कर्व को राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाओ, सिर्फ खेलो। मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन है इसलिए मैं कर्व्स में नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, आप ट्राई कर सकते हो घर पे। ये देखो जब तक आप लोग हिस्ट्री डिलीट नहीं करोगे, तब तक ये कर्व के साथ में अटैच रहेगा। मान लो आपका काम हो गया, आपने दोनों को पकड़ के हिस्ट्री निकाल दिया, डिलीट मार दिया, तो हिस्ट्री में डिलीट हो जाएगा। देन मैं कर्व को पकड़ के वापस यहाँ पे ऐसा लेके जा सकता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकता हूँ, थोड़ा सा ऐसा लेके जा सकता हूँ। देखो जो फेस पे आपको इसको एक्सट्रूड करना है, वो फेस के थोड़ा बीच में लाके रख दो, बस आपको उतना ही काम करना है।
अब मैं ये फेस को पकड़ सकता हूँ, शिफ्ट पकड़ के इसको पकड़ सकता हूँ, एंड अगेन मैं एक्सट्रूड बोल सकता हूँ, तो एक्सट्रूड हो गया मेरा, ये देखो। एंड वापस मैं टेपर जीरो कर सकता हूँ एंड थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता हूँ, 3 नंबर दबाऊंगा, देखो कितना प्यारा शेप हो गया मेरे को यहाँ पे, ये देखो। क्विक एंड ईजी, आपको कुछ ट्री बनाना है, कुछ झाड़ बनाना है, कुछ रूट्स बनाना है, आप यहाँ पे रूट्स बना सकते हो। तो ये अपना एक्सट्रूड का एक इंट्रो हो गया यहाँ पे, तो मैं इसको साइड में रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, सिलेंडर में, सिलेंडर में राउंड कैप को ऑफ कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ से इसका कैप्स थोड़ा बढ़ा देता हूँ ऐसा, एंड थोड़ा हाइट सेगमेंट दे देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे सिर्फ 12 करूँगा, मुझे 20 नहीं चाहिए, एंड इसको स्केल कर दूंगा। तो आज हम लोग सेकेंड जो टूल सीखेंगे वो है बेवल, हम लोग बेवल सीखेंगे अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एज में जाऊँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा, एंड देन यहाँ पे इसको ऐसा नज़दीक लेके आऊँगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं मेरे फेस में जाऊँगा, ये सारे फेसेस को मैं सिलेक्ट करूँगा ड्रैग करके, इनको भी ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा, एंड देन मैं यहाँ से बोल दूँगा एक्सट्रूड, यस। देखो अभी अच्छा लग रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, पॉलीगॉन में प्रॉब्लम कभी आता है जब हम लोग पॉलीगॉन के ऊपर स्मूथ अप्लाई करते हैं। अब मैं स्मूथ मारूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे एक हार्ड एज मिल रहा है, एक हार्ड एज मिल रहा है, कड़क एज मिल रहा है, तो ये वहाँ पे नहीं मिलेगा, जब मैं इसको स्मूथ अप्लाई करूँगा ना तो प्रॉब्लम शुरू होगा। ये देखो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ पे देखो ये नहीं मिल रहा है, हार्ड एज नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं है, हम लोग पॉलीगॉन में बोलते हैं इसको सपोर्ट देना है, देखो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। तो जो जो एज को आपको सपोर्ट चाहिए वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिशनल एज को ऐड करना पड़ेगा, मतलब मुझे एक एच को इसके बाजू में ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग के पास में वो लोग ने एक बेवल का ऑप्शन दिया है, एक टूल दिया है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके एच में जाऊँगा, एंड मान लो आपको पूरा एच को सिलेक्ट करना है, अगर आपका एक एच पूरे लाइन में है तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, सिर्फ डबल क्लिक करो तो आपका वो एच पूरा राउंड का सिलेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एच लूप। ये अपना एच लूप हो गया, जो एच सिंगल लाइन में है वो लूप हो गया, और जो आमने सामने है वो रिंग हो गया। तो हम लोग आज एज लूप एज रिंग में नहीं जाने वाले, मैं आप लोगों से बता दिया कि अगर आपको बेवल के लिए लूप को सिलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट करो, शिफ्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, एक साथ दे देंगे हम लोग, ये देखो। एंड मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड देन एडिट मैश में जाके बोल दो बेवल। जैसे ही बेवल दे दिया तो आप देख सकते हो कि एक का दो एज हो गया, मतलब एक एज था उसको दो में डिवाइड कर दिया। तो बेवल का यही काम है कि वो सपोर्ट देता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब दो एज के बीच का गैप, तो मैं इसको कर दूंगा 0.1, मुझे 0.1 चाहिए ताकि शार्प रहे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प चाहिए, आप कुछ हार्ड मॉडलिंग कर रहे हो, हार्ड सरफेस मॉडलिंग, जैसे गन हो गया या कुछ कैमरा हो गया, आपको एकदम क्रिस्प एच चाहिए, तो आप यहाँ पे सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे सेगमेंट्स एक है, मैं दो कर सकता हूँ, तो एक ज़्यादा हार्ड एज आ जाएगा। देखो ये हो गया, अभी अगर मैं इसको 3 नंबर दबाऊंगा ना तो ये हार्ड एज हो जाएगा, सिंपल, कितना सिंपल है। हम लोग ने एक्सट्रूड देखा, बेवल देखा, बेवल क्या करता है यहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट देता है, वो सपोर्ट से क्या होगा, हम लोग को हार्ड एज मिलेगा। देखो सिंपल कैलकुलेशन है मेरा, इजीली यहाँ पे मॉडल बन गया। तो इसी तरीके से हम लोग ने आज एक्सट्रूड देखा और बेवल देखा, आज हम लोग एक लास्ट टूल देखेंगे वो है ब्रिज, एंड देन हम लोग इसको दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक क्यूब ले रहा हूँ, एंड देन इसका ही एक कॉपी ले रहा हूँ Ctrl D, एंड यहाँ पे मैं क्यूब ले रहा हूँ। देखो मेरे पास दो क्यूब है और दोनों भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं इसके फेस में जाऊंगा सिर्फ इसका ही फेस सिलेक्ट करेगा, इसके फेस में जाऊंगा तो सिर्फ इसका ही फेस सिलेक्ट करेगा। अगर मुझे दोनों को एक ऑब्जेक्ट बनाना है, एक ऑब्जेक्ट,
तब मेरे को यहाँ पे दूसरे मेन्यू में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था मैश ऑब्जेक्ट लेवल पे काम करता है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आज हम लोग मैश का, वो है कंबाइंड। मैश में कंबाइंड, कंबाइंड से क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट कंबाइन हो गया। कंबाइन और ग्रुप को अलग अलग ही रखो, मेरा एक ग्रुप का वीडियो है उसमें मैंने डिफरेंस बताया है। ग्रुप मतलब दोनों ऑब्जेक्ट अलग ही होते हैं लेकिन उसके ऊपर एक पैरेंट नोड आता है। यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट ही हो गया। अगर मैं यहाँ पे फेस में जाऊँगा दोनों का एक साथ फेस सिलेक्ट होगा, ये देखो दे आर द पार्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, दोनों एक ऑब्जेक्ट हो गए। तो मैं इसका हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा अभी यहाँ पे, एंड देन मैं ये फेस को पकड़ूंगा और ये फेस को पकड़ूंगा, एंड देन मैं आपको पावर दिखाता हूँ ब्रिज टूल का। एडिट मैश में जाओ और बोल दो ब्रिज। आप बोलेंगे अरे ये तो कुछ भलता ही हो गया, हमने सोचा कुछ अच्छा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवीजन बढ़ाएंगे। सबसे पहला देखो डिवीजन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वो ब्रिज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि ब्रिज जो टाइप है वो लीनियर है, लीनियर नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए ब्लेंड। तो ब्लेंड करो, ये देखो एक इजीली आपको एक मस्त शेप यहाँ पे मिल गया। अगर आपको आर्च बनाना है किसी चीज़ का, या आपको बेंड देना है, आपको डोर बनाना है, आप इजीली ये चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, वेरी इजीली। ठीक है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ के ऑप्शंस में जाओ, आप यहाँ से डिविजन्स बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप ट्विस्ट भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, या आप टेपर कर सकते हो। अगर मैं टेपर करूँगा थोड़ा सा और 3 नंबर दबाऊँगा ना, तो ये टेलीफोन जैसा कुछ तो बनेगा शेप। ये देखो अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो टेलीफोन लग रहा भी है। अगर मैंने यहाँ से ये एच को पकड़ा, डबल क्लिक करके शिफ्ट पकड़ के इसको पकड़ा, इनको मैंने बेवल दे दिया, 0.1 दे दिया, तो ये यहाँ पे शार्प हो जाएगा। ये देखो, एंड मैं इसको डबल क्लिक करके, इसको डबल क्लिक करके फिर इसको पकड़ता हूँ, इसको अंदर डाल देता हूँ एंड इसको भी अंदर डाल देता हूँ। अब ये डंबल टाइप कुछ तो हो गया। तो आप ऐसा बहुत सारे शेप्स निकाल सकते हो। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ब्रिज। तो ब्रिज का एक और एग्जांपल देखते हैं और हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर क्रिएट करता हूँ, एंड वो सिलेंडर में मुझे राउंड कैप नहीं चाहिए, सब डिविजन कैप नहीं चाहिए, 12 चाहिए। एंड देन मैं यहाँ से इसको रोटेट करूँगा ऐसा 90 डिग्री में, इसको स्केल करूँगा कंट्रोल डी 90, जैसा। अब मान लो आप लोगों को पाइप क्रिएट करना है, पाइप मतलब यहाँ से पाइप जा रहा है, पाइप पाइप का आपको उसे एक बीजी बनाना है। तो वेरी सिंपल है, सबसे पहले बताया था कि मैं ब्रिज करना है तो इसको एक ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो मैश में जाके कंबाइन बोल देता हूँ, मेरा कंबाइन हो गया, हिस्ट्री डिलीट मार दिया। अब मुझे ये फेस को पकड़ना है, ये फेस को पकड़ना है, और क्या बोलना है यहाँ पे ब्रिज, डिविजन्स बढ़ा देता हूँ। अब ये लीनियर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लीनियर है, तो क्या बोल दो ब्लेंड। ये देखो एक झटके में आपका रेडी हो गया सब चीज़। अब यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है स्मूथ के साथ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा। इसको कैसा सपोर्ट देंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसी तरीके से आज हम लोग ने एडिट मैश में ब्रिज, एक्सट्रूड एंड मैश में कंबाइन डिटेल में कवर किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ें क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अपना थोड़ा क्रिएटिव रहेगा, क्योंकि मैं शायद से एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखा दूँ, उसके साथ में इसको यहाँ पे कवर भी कर लूँ। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड उसको शेयर भी करो, ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट है, ट्यूटोरियल करना है किसी चीज़ पे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू।